कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन ज़रूरतें कभी ख़त्म भी तो नहीं होती। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा से नए आविष्कार होते आए हैं जिन्होंने समय के साथ साथ दुनिया की सूरत ही बदल दी। कुछ आविष्कार ऐसे हैं जो दुनिया में बेहद लोकप्रिय है, कुछ जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें खोजने वाले आविष्कारक खुश नहीं हुए, उन्हें अपने इन्वेंशन पर बहुत पछतावा हुआ। दुनिया के ऐसे ही लोकप्रिय आविष्कारों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रेड आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में पहला आविष्कार है ऑफिस क्यूबिकल्स। ऑफिस क्यूबिकल्स मतलब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इस अरेंजमेंट को ऑफिस क्यूबिकल्स कहा जाता है। ऑफिस में क्यूबिकल्स की अरेंजमेंट को साल 1964 में डिज़ाइन किया गया था। इसका डिज़ाइन तैयार करने वाले शख्स का नाम रॉबर्ट प्रॉप्स था। रॉबर्ट ने अपने डिज़ाइन को एक्शन ऑफिस नाम दिया था। कर्मचारियों को प्राइवेसी देने और काम की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसे डिज़ाइन किया गया था। तो बढ़ते हैं हमारे इस लिस्ट के अगले आविष्कार की तरफ, जो है डायनामाइट। डायनामाइट किसको नहीं पता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया था? तो फिर मैं आपको बता दूं, डायनामाइट का आविष्कार स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, वो साइंटिस्ट जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। हिस्टोरियंस बताते हैं कि युद्ध में अपने इस आविष्कार के इस्तेमाल को देखकर नोबेल बेहद डिस्करेज हो गए थे। उन्हें पछतावा हो गया था कि उनका ये आविष्कार युद्ध को बढ़ावा देगा। उन्होंने अपने आविष्कार से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत की। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में डायनामाइट के कारण जो तबाही हुई थी वो देखने से पहले ही अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी। तो इस लिस्ट का अगला इन्वेंशन है एटॉमिक बम। एटॉमिक बम एक प्रकार का विस्फोटक हथियार है जो एटम फ्रैगमेंटेशन या फ्यूजन के माध्यम से न्यूक्लियर रिएक्शन का उपयोग करता है। इस तरह के हथियार भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं और इसीलिए ये विनाश का कारण भी बनते हैं। सबसे पहले एटॉमिक बम का प्रयोग सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था। इन हथियारों को काफ़ी विनाशकारी माना जाता है क्योंकि एक ही बम लाखों लोगों को मार सकता है और पूरे शहर को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह एटॉमिक बम अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की देन है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था, जिन्हें एटम बम का जनक भी कहते हैं। पहले ओपनहाइमर अपनी इस सफलता पर काफ़ी खुश थे। उन्होंने दुनिया का पहला परमाणु हथियार बनाया था, लेकिन बाद में उन्हें इसके लिए पछतावा हुआ। इस हथियार पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने सरकार से गुजारिश भी की थी। साल 1945 में तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन से भी मिले थे, जिसके बाद ओपनहाइमर ने कहा था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ खून से रंगे हैं। इस आविष्कार को प्रोत्साहन देने वाले वैज्ञानिक आइंस्टीन को भी अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी गलतियों में से एक कहा था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले बेहतरीन इन्वेंशन की तरफ, जो है शॉपिंग मॉल। 1950 के दशक में दुनिया में पहली बार शॉपिंग मॉल का कंसेप्ट डेवलप करने का श्रेय विक्टर ग्रुएन के नाम है। उनका जन्म यूरोप में हुआ था। उन्हें अमेरिकन शॉपिंग मॉल का जनक भी कहते हैं। ग्रुएन ने ऐसी जगह की कल्पना की थी जहां खरीदारी और संस्कृति एक छत के नीचे हो, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि अमेरिकी मॉल्स ने असल में शहरों को बर्बाद किया। अपनी इस खोज पर उन्हें बेहद पछतावा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बेहतरीन और धमाकेदार आविष्कार की तरफ, जो कि है AK-47 राइफल्स। मिखाइल कलाश्निकोव ने इस ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल का आविष्कार साल 1947 में किया था। उनके इस आविष्कार के साल पर इस बंदूक का नाम ऑटोमेटिक कलाश्निकोव 1947 मतलब शॉर्ट में AK-47 रखा गया। इसका आविष्कार रूसी सेना के लिए किया गया था, जिन्होंने 1949 में इस हथियार का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन बाद में अन्य देशों द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। आज लगभग हर देशों में AK-47 मौजूद है। अपने इस आविष्कार के कारण कलाश्निकोव रूस के हीरो बन गए थे। पूरी ज़िंदगी अपने आविष्कार का पक्ष भी लेते रहे।
और हिंसा के लिए राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराते रहे। लेकिन साल 2013 में मृत्यु के एक साल पहले उन्होंने रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें इस हथियार को बनाने के बाद का दर्द बयां किया। लिखा कि इसके कारण होने वाली हत्याओं के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानते हैं और ये उनके लिए अनबियरेबल है, मतलब वो हताश हो गए थे अपने इस आविष्कार से। खैर, हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इन्वेंशन की तरफ, जिसका नाम है पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे को ओसी पेपर स्प्रे और मिर्च स्प्रे भी कहा जाता है। इसके छिड़कने से आंखों में जलन होती है और आंसू आने लग जाते हैं, साथ ही तेज दर्द होता है और कुछ समय के लिए अंधापन आ जाता है। इस स्प्रे का ज़्यादातर प्रयोग बेकाबू भीड़ को काबू करने या फिर आत्मरक्षा में किया जाता है। डॉक्टरों की माने तो इसके उपयोग से नुकसान कम होता है, मगर मौत के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि पेपर स्प्रे में मुख्य रूप से मिर्च से निकाला गया कैप्सिसिन नामक तत्व काम में लिया जाता है। साल 1980 के दशक में FBI द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए वैज्ञानिकों ने पेपर स्प्रे की खोज की थी। कामरान लॉमेन इसे बनाने वालों में से एक थे। उन्होंने कहा था कि आंदोलनों में प्रदर्शनकर्ताओं पर इस स्प्रे का इस्तेमाल होता देख मैं चौंक गया। मुझे लगा कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों को समझाऊँ कि इस काम के लिए पेपर स्प्रे का निर्माण नहीं किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इन्वेंशन की तरफ, जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर टिम बर्नर्स-ली ने साल 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। ये वो आविष्कार है जिसने दुनिया के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, जो कई नए आविष्कारों का आधार बन गया। लेकिन ली अब इसके जरिए होने वाली गैरकानूनी हैकिंग, फर्जी खबरों और अन्य सबवर्सिव एक्टिविटीज से परेशान है। 2018 में ली ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे आविष्कार के कारण होने वाली सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को देखकर मैं बेहद निराश हूँ। मुझे लगता है कि मानवता की सेवा को बेहतर बनाने में इंटरनेट फेल हो गया है। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है लैब्राडोर का। ये कुत्ते की एक प्रजाति है जो बुद्धिमान और प्यारे होते हैं, जिनके बाल कभी नहीं गिरते। ये लैब्राडोर और पुडल की क्रॉस ब्रीडिंग से बने हैं। ये नई प्रजाति विकसित करने वाले शख्स है वॉली कॉनरॉन। ऑस्ट्रेलिया के कॉनरॉन को बाद में अपनी इस खोज पर काफ़ी पछतावा हुआ, जब उन्होंने देखा कि लोग बड़े पैमाने पर ये ब्रीडिंग कराने लगे हैं। इसके कारण कई अस्वस्थ कुत्तों का जन्म हुआ, जिन्हें आवारा छोड़ दिया गया। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है कॉमिक सेंस फॉन्ट का। कॉमिक सेंस को अब तक डिज़ाइन किया गया सबसे भद्दा फॉन्ट डिज़ाइन माना जाता है। इसकी खोज विंसेंट कोनार ने बच्चों के लिए एक कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए की थी। लेकिन साल 1994 में विकसित इस फॉन्ट का धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। तब कोनार ने कहा था, अगर आप इस फॉन्ट को पसंद करते हैं तो आप टाइपोग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब देखते हैं ऐसे इन्वेंशन के बारे में जिससे हम सभी बहुत गुस्सा होते हैं, तो वो इन्वेंशन है पॉपअप एड्स का। ये ऑनलाइन साइट्स पर एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका है जिसे एथन जुकरमैन ने खोजा था। किसी विज्ञापन को वेब पेज का हिस्सा बनाए बिना उसके यूजर्स तक पहुंचाने के उद्देश्य से जुकरमैन ने इसके कोर्स लिखे थे। लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल हर साइट पर इतना ज़्यादा होने लगा कि ये लोगों के लिए परेशानी और चिड़चिड़ाहट का कारण बन गया। अपनी इस खोज के लिए जुकरमैन ने बाद में माफ़ी भी मांगी थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।